हम इकट्ठी हो गई है कि शायद किसी से कोई मसला हल हो जाए। चाबी का सब अपनी अपनी चाबियां लेके आ गए, देखें क्या होता है। मानो ये आज हमने फिर खुद ही नाश्ता वहाँ बना लिया, नाश्ता कर लिया। रूम की हालत चेक किए, 10 दफ़ा साफ किया है। और रात को खिजर से गाड़ी में से टिश्यू मंगवाए, उसके बाद चाबी नहीं मिल रही। ये टाइम आ गया, चाबी ढूंढते ढूंढते पूरा रूम चाबी ढूंढ रहे हैं, कोई समझ नहीं आ रही कि चाबी गई कहाँ। पूरी ये बिस्तर इधर उधर हर चीज इसमें देखना था। 2 घंटे से तो खैर सब ढूंढ रहे हैं, मिल ही नहीं रही है। पता नहीं कहाँ रखी है चाबी इन्होंने। उस रूम का कितना बुरा हाल हुआ हुआ है। खैर अभी हम समेटेंगे, फिर रूम समेट के फिर बाहर निकलेंगे। नहीं मिल रही, पता नहीं अब क्या करेंगे। लड़के तो बाहर चले गए, अब ढूंढ ढूंढ के अब हम कह रहे हैं पूरा रूम सेट करो तो फिर ढूंढो। कहाँ ये दरवाजे की उसके बोतल के साथ। हाँ मिल गई मिल गई मिल गई। ये ओहो ये तो रूम की चाबी है। तो फिर कहाँ गई यार ये, अभी लड़के जान खा जाएंगे। पूछो बाबा से कहाँ मिली है कि नहीं। मैं कहती हूँ रात को कहीं वहाँ बाहर गए थे झूलों में, वहीं ना फेंका ये रात को खाना खाने के बाद झूलों पे भी गए। चलो यार बर्तन तो समेटो ना, उसके बाद फिर देखते हैं। साथ साथ चीजें समेटते जाए बर्तन अभी उनके किचन में। जी फिर गाड़ी में है, मिल गई है। हाँ गाड़ी में लॉक लगा दिया, हटो देखो अभी अंदर से चाबी है। गाड़ी में चाबी है आशिर, अभी चाबी दी है लो। फिर अब नया सियापा ये खिजर का दिमाग खराब, कि सुबह से हम 2 घंटे से चाबी ढूंढ रहे हैं। ओ भाई मैं किस टाइम से कह रही हूँ गाड़ी के आसपास आगे। मैं कहती हूँ कहीं झूलों पे ना फेंक आया हूँ। क्यों जी गाड़ी के अंदर ही है चाबी, फिर अब कैसे निकलेगी। सोचेंगे इस बारे में भी कुछ। तो ये किससे खोल रहे हो, कैसर की सुजुकी से। हाँ तो ये खिजर को लगाओ एक थप्पड़। तो कैसे नजर आई, शीशे निकाले हैं। ये पीछे से मैंने अंदर जाकर पीछे पड़ी हुई है। हाँ वो देखो वो पड़ी है। हाँ वो पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है। दिखाओ वो दिमाग खराब है खिजर का। वैसे ये दरवाजा खुला हुआ है लेकिन अंदर ही है गाड़ी में। क्या करें, कितने पागल लड़के, दिमाग ही नहीं काम करता। इसकी बिस्मिल्लाह ही गलत हुई। इस गाड़ी बेचारी का क्या हाल हुआ ये देखें। इसका पीछे से सारा टूट गया, इसको क्या कहते हैं मोइस, किट बॉडी किट टूट गई। नीचे से ढोलकियाँ ढोलकियाँ सारी उतर गई। खैर मोइस ने हमें बेजर पहुँचा दिया, लेकिन गाड़ी का बेड़ा गरक कर लिया अपनी। वो तो बिल्कुल भी ना आती, मोइस तो इसको लाते ही ना घर से। अब क्या सोचा है, और ये तीनों देखना कैसे बैठे हैं अब। ऐसे बैठने से चाबी मिलेगी, ना छेड़ो ना। ये पिछला दरवाजा खुला हुआ लेकिन अंदर से खुलता है, इसका हैंडल टूटा हुआ। खिजर का दिमाग नहीं काम करता। खिजर ये उठानी जी पड़ी रहे अंदर। क्या मतलब है, टिश्यू आप लेके आए थे तो चाबी वो उठा के लाता साथ में। ये था शीशा ही ना टूट जाए। ना वो दिन आएगा गाइस जिस दिन ये गाड़ी लेगा। अरे शीशा ही ना टूट जाए ऐसे। चेंज करें, सुबह से तो चाबियां ढूंढ रहे हैं। वही ना शीशा ही ना तोड़ दे। शीशा तोड़ देगा।
मुश्किल ही है। ये लो आप बनाओ व्लॉग, में हम बच्चों को चेंज कर लें। ये देखें गाइस, यार टाइम मेरी बहन ना मेरे से काम ही कराती रहती है, अभी भी कह रही थी बर्तन उठा इधर कर उधर कर। हम इकट्ठी हो गई है कि शायद किसी से कोई मसला हल हो जाए चाबी का, सब अपनी अपनी चाबियाँ लेके आ गए, देखें क्या होता है। मानो ये बिशारत भाई का ये एक नया ड्रामा बन गया, बिल्कुल पागल दिमाग लड़का खिजर। अब वो बेचारे लगे हुए कभी कुछ करने कभी कुछ करने। देखते हैं कब तक चाबी निकलती है गाइस। अब गाड़ी में से चाबी निकलेगी तो ये बाबू सा टॉप जा रहे थे। 3 घंटे हो गए चाबी के साथ। मेरा दोस्त खोता देखे जी, असल चास इन खोतों की है जो इधर रोडों पे ख्वार हो रहे हैं। अभी मैं आया हूँ हमारी ब्लेड लेने, दुआ करें मिल जाए। भाईजान भाईजान आ रही है, कोई ब्लेड होगा कोई सही टाइट सा स्केल फुट हुआ जो होता है। गाइस यार मैं ढूंढने आए हैं, क्या ढूंढने आए हैं? ये देखें जी खोतों का शौक करें जी छोड़े। माशाल्लाह जी नूरी वाटरफॉल आ गया जी, शौक का कोई मोल नहीं जी। गाइस बहुत बहुत पूरी जगह है, बहुत पूरी जगह। भाई की तस्वीर ले, ये एक गंदा इंसान है वो पानी में बहुत आने लगी वो पागल तो नहीं। ये देखें जी भाई को, भाई बहुत गहरा पानी है जी, गहरा कोई नहीं है ठंडा। और वो आ जाएगा तू, वो लकड़ियाँ भी छोटी लकड़ियाँ भी। और कैमरा खुला हुआ है, नो शेरा ये अच्छा जो फाइनली खुल गया पर लॉक टूट गया दरवाजे का, दरवाज़ा खुल गया लेकिन 2 घंटे के बाद, 2 नहीं 2.5 घंटे तो हो गए है ना, 2.5 घंटे से गाड़ी के साथ लगे और अब जाके लॉक खुला है टूट के। वो भी वो कसम ला रहे तेरा दोस्त जब ला रहा है करा आ जा कसम ये खिजर के बेस्ट फ्रेंड है। घूमने की जगह नहीं मिली, सब पूछ रहे हैं, वो बता रहे जैसे जाओ उधर जाओ। अभी यहाँ पे हो गए बोर, कहते कहीं और जाएं और बशारत से पूछ रहे हैं कि कहाँ जाएं। अच्छा गीटी दास तो गए थे हम, गए थे पिछली दफा गए थे। अच्छा चलो मोहित जहाँ बता रहे बिशारत उधर चलते हैं, पहले झूलों पे खिजर का दोस्त है बिशारत है। पता नहीं बिशारत से पूछो मुझे क्या होता है। सीधी रोड नजर भी आ रही है गिट्टी दास जाना, चलो इसको पत्थर तो फेंकने दो बेचारे को, इतनी मुश्किल से पत्थर उठाया। वाह बहुत कमाल है, बहुत कमाल हो गया। चलो फिर जाके क्लासेस ले। ये हमारे रूम के बाहर का व्यू है, बहुत ही खूबसूरत व्यू सामने से नज़र आता है सुबह के टाइम तो बहुत ही अच्छा लगता है। इत्तेफाक है कि सुबह के टाइम हम उठ ही नहीं पा रहे हैं, आज 2-3 दिन हो गए हमें, लेकिन वो रात लेट सोते हैं तो सुबह उठा ही नहीं जाता, फिर लेट हो जाते हैं।
जनाब अब इनकी गाड़ी धुल गई है तो आगे अब हम जा रहे हैं गीटी दास, क्योंकि यहाँ पे ये इनको मज़ा नहीं आ रहा। इनके पास पैसे इतने हैं कि अल्लाह बचाए भाई, बहुत पैसे हैं इन लोगों के पास। बब्बू आज ने आके पैसे ले लिए। बब्बू ना कर यार, बब्बू ने शूज अल्लाह। मोइस को बच्चों ने वैसे बहुत तंग किए, देखे मैंने पूरे रास्ते बेचारा अपने बच्चे ही संभालता रहता है। बस अंदर से ना गिले करो, मोइस सारे गिले हो जाएंगे। चलो आ जाओ सोनिया। क्यों जी, फिर थोड़ा डलवाना, कहते पेट्रोल इतना सही भी नहीं है। ये पानी इतना क्यों जाया करें ये लोग। तो जी आज के व्लॉग को यही ख़त्म कर देती हूँ, क्योंकि फिर व्लॉग बहुत लंबा हो जाता है। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अपना रखें बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।